ब्लॉक सोरिक में आज ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में समाजवादी पार्टी भाजपा दोनों पक्षों की तरफ से ईंट पत्थर व फायरिंग कर शासन प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाएगा। समाजवादी पार्टी वालों का कहना है कि मुझे नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है एवं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी समर्थकों ने ब्लॉक परिसर के बाहर तमंचा लहराकर फायरिंग कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। उसके उपरांत जिला प्रशासन एवं पुलिस बल ने लाठी चार्ज कर माहौल को काबू में किया। मैं ये मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूँ, आप ये बात पहुँचाइए। मैं माननीय इंस्पेक्टर साहब से आग्रह करता हूँ, सीओ साहब से भी आग्रह, सीओ साहब से आग्रह करता हूँ, आप हमें जो आदेश देंगे हमें स्वीकार होगा। हम नहीं होने देंगे। आप बीजेपी के यहाँ पर गुंडे जिस तरीके से गुंडे कर रहे हैं, हम नहीं चलने देंगे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। 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 लोकतंत्र की हत्या समाजवादी कार्यालय पंचायत ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन करने यहाँ आए हैं प्रत्याशी, तो वहाँ इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको सबको अंदर से बंद कर लिया, गेट बंद कर लिया और नामांकन करने नहीं देना चाहते हैं और उसको पकड़ के नामांकन फाड़ते हैं अगर कोई ले जाता है, मारपीट करते हैं। प्रत्याशी हमारे यहाँ से भी क्षेत्र पंचायत कांति देवी हैं, उनको भी ईंटा पत्थर मार दिए, तो जे मतलब हार के इनके वो हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं। अभी ताज़ा स्थिति क्या, अभी आपका नामांकन हो गया? नामांकन अभी अंदर है, नामांकन तो ये कह रहे हैं कि होने ही नहीं देंगे, बीजेपी लोग कह रहे हैं पथराव किधर से हो रहा है? पथराव तो बीजेपी वाले अंदर से कर रहे हैं। प्रशासन के बारे में क्या कहना आपका? प्रशासन तो सहयोग कर रहा है साहब, सीधे सीधे सहयोग हो रहा है प्रशासन का, प्रशासन तो सीधे सहयोग कर रहा है, नहीं तो गलत काम हो ही नहीं सकता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव हो, तो माननीय उन्हें निर्णय लेना चाहिए, ये पारदर्शिता सामने आ रही है कि प्रशासन और शासन सब किस तरीके से ईंटा पत्थर चलवा रहा है। मूल समस्या आपकी किस तरीके से